विद्यालय नगरिया मसौदा फैजाबाद। और बच्चों कैसे हो? अच्छे। कहानी सुनोगे? यस मैम। चलो आज मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ एक लड़के की। नाम था उसका राघव। क्या नाम था बच्चों? राघव। बहुत ही प्यारा बच्चा था और बहुत होनहार और सबकी मदद भी खूब करता था और सब लोग उसे प्यार करते थे। उसके पिताजी जो थे गांव की पाठशाला में चौकीदार थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी उसके पिताजी की, लेकिन तब भी वो उसके माता पिता बहुत खुश रहते थे। एक बार की बात है, उनके दूर के काका जी उसके यहाँ घूमने आए। कौन आए घूमने? काका जी। हाँ, उसने अपने काका जी की खूब सेवा की और काका जी ने जाते हुए उसको 10 रुपए दिए। कितने रुपए दिए बच्चों? 10 रुपए। और अब खुशी से पागल हो गया क्योंकि उसने इतने रुपए कभी देखे ही नहीं थे। उसने सोचा अब मैं बहुत सारी चीजें खरीदूंगा। दौड़ा अपनी मम्मी के पास गया, बोला मम्मी देखो काका जी ने मुझे 10 रुपए दिए हैं, अब मैं इससे पेंसिल, रबर, स्केल और खिलौने भी खरीदूंगा। माँ ने कहा हाँ भाई तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लो, जाओ बाजार जाओ और खरीद लो। राघव ने खुशी दौड़ता हुआ कहाँ चल दिया? क्या लेने? लेकिन ये क्या, वो जा ही रहा था तो उसको रास्ते में भिखारी मिला जो भूख से बहुत ज्यादा परेशान था। कोई खाने को दे दो, बहुत दिन से कुछ खाया ही नहीं है। राघव ने सोचा मेरे पास 10 रुपए, क्यों ना 2 रुपए इसको दे दूं, कुछ खा लेगा। उसने झट से 10 रुपए में से 2 रुपए किसको दे दिए? भिखारी को। भिखारी ने उसको खूब दुआएं दी, कहा बेटा तुम बहुत अच्छे हो। राघव ने कहा अच्छा चलता हूँ बाबा, और गुनगुनाता हुआ फिर चल दिया। कहाँ चल दिया? बाजार की ओर। लेकिन तब उसे क्या दिखाई दिया, कोई बताएगा? तब उसे राजेंद्र दिखाई दिया जो रो रहा था। अरे राजेंद्र तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या बोलूं, तेरी माँ ने मुझे 5 रुपए दिए थे, मेरा भाई जो था ना वो बहुत बीमार है, उसकी दवा के लिए, लेकिन वो कहीं गिर गए, अब मैं दवा कैसे लूंगा? कोई बात नहीं, ये लो 5 रुपए और दवाई ले लो। तो राजेंद्र ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। अब राजेंद्र तो चला गया लेकिन राघव उदास हो गया। कोई बताएगा क्यों? अब उसके पास कितने रुपए बचे? 3 रुपए। अब वो ज्यादा चीजें तो नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब वो चल दिया फिर भी बाजार की तरफ। पेंसिल पेन की दुकान पे पहुंचा, रंग बिरंगे सामान, उसने सबके दाम पूछे। तो उसने एक पेंसिल, एक स्केल और एक रबर लेने की सोची। उसके पास जितने पैसे थे उसमें वो आ जाता, लेकिन तभी उसने जब वो ऐसे नजर घुमा रहा था तो उसको दूर रंग बिरंगी चूड़ियां नजर आई। क्या नजर आई? चूड़ियां। बस उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने कहा मेरी माँ की कलाइयों में कितनी सुंदर लगेंगी, क्यों ना मैं माँ के लिए ले चलूं। बस वो झट से दुकान पे गया और चूड़ियां खरीद ली। किसके लिए खरीदी? माँ के लिए। बस पैकेट लिया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। वो बहुत खुश था क्योंकि माँ के लिए क्या खरीदा था? चूड़ियां। बस वो गया और अपनी माँ को जैकेट दे दिया। माँ ने झट से पैकेट खोला और जल्दी से क्या पहन ली? चूड़ियां। हाँ, तभी माँ के मन में ख्याल आया, अरे राघव तुम मेरे लिए तो चूड़ियां लाए लेकिन अपने लिए क्या लाए? राघव थोड़ा रुका और माँ से बोला, कोई बता सकते हो माँ से क्या बोला? मैं माँ से कह दिया था। नहीं,
खरीद ली, क्या खरीद ली? खुशियाँ। क्या खरीद ली बच्चों? खुशियाँ। खुशियाँ खरीद ली। माँ तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन राघव फिर से खेलने मैदान की तरफ चला गया। तो बच्चों इसका